दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को 5G का फोन दिखाऊंगा और वो भी 5 तरह के फोन दिखाऊंगा। यदि आपको कोई भी पसंद आता है तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और सस्ता फोन लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त 5G फोन सारे के सारे हैं। आप लोगों को 15,000 के अंदर मिल जाएंगे, 10,000 के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। वीवो का है बहुत ही जबरदस्त, और रियलमी का भी है बहुत ही जबरदस्त, ओप्पो का भी फोन अच्छा है, CMF1 भाई ये फोन नया आ गया है मार्केट में। अगर आपको खरीदना है तो इसमें खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको विस्तार से बताते हैं। और लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई मेरी वीडियो आएगी तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सा नया नया फोन आया हुआ है मार्केट में, ठीक है। देखिए CMF ये एक नया फोन है, न्यू वर्जन का है, बहुत ही जबरदस्त है, 15,999 रुपए का मिल रहा है। और ये जो है नई क्वालिटी का नया डिजाइन है, बहुत ही जबरदस्त है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भाई साहब, जबरदस्त है। इसके कैमरे की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी मिल रही है कैमरे क्वालिटी, और बैटरी बैकअप की बात करूं तो बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है। इसका जो चार्जर मिल रहा है, चार्जर भी एक नंबर का मिल रहा है। यदि आप सब लोग ये फोन लेना चाहते हैं तो बड़े आसानी के साथ ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है फोन, चलने में स्मूथ है, बहुत ही जबरदस्त है। इसका बैटरी बैकअप जो है, पावर की बात करूं ना भाई साहब, 2 दिन लगातार चलता है इंटरनेट के साथ। ये मत सोचिए इंटरनेट के साथ 2 दिन चलेगा, तो आप लोगों को ये फोन जरूर यूज करना है। और रैम की बात करूं तो 6128 का मिल रहा है, ठीक है, रैम इसमें मिल रहा है 6128 का। अगर आप और ज्यादा पैसा लगाते हैं तो वो मिल जाएगा, 15,000 के अंदर है, मिल जाएगा। अभी देखो 15,999 रुपए का मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को जब खरीदने जाएंगे तो 12,000 के आसपास पड़ जाएगा, बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। तो ये फोन आप लोगों को कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमें बढ़ते हैं अगले, ये वाला फोन ओप्पो K12 5G, भाई साहब बहुत ही जबरदस्त मिल रहा है। यदि आपको ये फोन लेना है तो ले सकते हैं ओप्पो K12 5G, और इसका रेट है 12,000 रुपए, और बहुत ही सस्ता है, 8128 का मिल रहा है, 6128 का, दोनों मिल रहा है। यदि आप जो चॉइस करना चाहते हैं इसमें चॉइस कर सकते हैं, फोन भी कलर में मिल जाएगा आप लोगों को, और इसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी इसमें अच्छा मिल रहा है भाई साहब, बहुत सस्ता मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, आप लोगों को ये वाला फोन जमता है तो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखना है, कॉलिंग करना है, और ये सारे काम कर सकते हैं, गेमिंग भी खेल सकते हैं, तो ये फोन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पड़ेगा। यदि आप खरीदना चाहते हैं ये फोन तो ले सकते हैं, क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप की रेंज देखी जाए तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, 5100mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है। डिस्प्ले बात की जाए तो डिस्प्ले 16.49 सेंटीमीटर का मिल जाता है, यानी 6 इंच का आसपास मिल जाता है, और बड़ा साइज में मिल जाता है, बहुत ही अच्छे में, कलर में अलग अलग जो कलर आपको पसंद हो उसमें ले सकते हैं, व्हाइट में, ब्लू में, और गोल्डन में भाई, और ब्लैक में, जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं, ठीक है। ये फोन कैसे लगा हमें कमेंट करके बताना, हम आपको लेके चलते हैं अगले नेक्स्ट फोन की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। ये वाला Samsung Galaxy A14 Pro बहुत ही जबरदस्त है, सारे के सारे 5G फोन दिखाया है, 2-3 हो गए, जो भी दिखाया मैंने सब 5G दिखाया है। आप लोगों को ये थर्ड फोन दिखा रहा हूँ, कैसे लगेगा यदि आप ये फोन को यूज करेंगे। ओ भाई साहब, Samsung का पुरानी कंपनी है, और इसमें जो बदलाव किया गया है, बैटरी बैकअप का बदलाव किया गया है भाई साहब। पहले जो फोन आते थे उसमें बैटरी बैकअप बराबर होता नहीं था, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता था दिन भर में। अभी इसका लॉन्ग चार्ज कर दिया, ठीक है, लंबा प्रोसेसर कर दिया है, 6128 का मिल रहा है, 8128 का भी मिल रहा है। इसमें आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं, यदि आप ज्यादा गेमिंग PUBG खेलना चाहते हैं तो 8128 का लीजिए, और 6128 के लिए वीडियो मेकिंग यानी
क्रिएटर के लिए हो जाता है और वीडियो देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उन सब के लिए ये फोन यूज होता है। ठीक है, देखा जाए तो कुल मिला के सैमसंग का पुराना फोन है, बेहतरीन है, सब लोग माना जाना है, आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। लेकिन मैं इसको भी बुरा नहीं कह सकता क्योंकि सस्ता आ रहा है भाई, 9,999 रुपये 10,000 रुपये के अंदर मिल रहा है। तो आप लोगों को ये फोन लेना चाहिए तो ये फोन भी यूज कर सकते हैं। फोन अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी बैकअप भी इसमें अच्छा मिल जाता है। तो आप लोगों को इससे बढ़ के और क्या चाहिए। आजकल देखा जाता है कि अदर फोन में उतने प्रोसेसर नहीं होते, अभी सैमसंग ने अपना प्रोसेसर और बैटरी बैकअप, इसका मेमोरी का और कैमरे का अच्छी क्वालिटी कर दिया है, 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल फ्रंट की तरफ कर दिया है। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, कुल मिला के कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, बैटरी बैकअप भी इसमें अच्छा मिल रहा है। तो इसके साथ साथ जो इसमें देख रहे हैं स्क्रीन में, इसका लुकिंग भी अच्छा मिल रहा है। तो आप लोगों को ये फ़ोन लेना है तो ले सकते हैं, आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप फ़ोन ये लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद है तो मत लीजिए। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं, मेट्रोला का है, मेट्रोला G45 5G फोन है, 628 का मिल रहा है। आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मेट्रोला G45 की खासियत ये है कि इसमें जो है बैटरी बैकअप और कैमरे की क्वालिटी और इसका जो है यानी फिंगरप्रिंट वगैरह बहुत ही अच्छा कर दिया है। ठीक है, नया डिज़ाइन आ रहा है, अभी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन लॉन्च हो जाएगा 2-4 दिन में। और आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो ये भी बहुत सस्ता पड़ रहा है, आपको बहुत सस्ते कीमत में मिल जाएगा भाई, 9,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो आप लोग मेट्रोला का ये फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, सस्ता होने वाला है, दीपावली आ रही है, इसमें बहुत सस्ता मिल जाएगा मेट्रोला G45। भाई साहब इसका बैटरी बैकअप जो होता है 4,000-5,000 के ऊपर बैटरी बैकअप मिल जाएगा। कैमरे की क्वालिटी की देखी जाए तो बात, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है इसमें, और इसमें बैटरी बैकअप जो होता है ज़्यादा भाई है ही है। और इसके साथ देखा जाए कि इसमें जो फिंगरप्रिंट वगैरह यानी स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है वो भी अच्छा मिल जाता है, और ऑडियो वीडियो जैक बहुत ही अच्छा मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी एक नंबर मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, और इसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और जल्दी गिरेगा तो टूटेगा नहीं क्योंकि मजबूती के लिए देखा जाता है मेट्रोलो। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप सभी लोग यदि सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद है मेट्रोला का फ़ोन तो यूज कर लीजिए। ठीक है, सस्ता का सस्ता है, अच्छा से है, और मार्केट में अभी धड़ाक से आने वाला है, दीपावली में बहुत ज़्यादा छूट मिल जाएगी इस पर। तो जितने फ़ोन लॉन्च होंगे जो और पहले से हैं उसमें करीब 40-50% के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यदि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सस्ते में मिल जाएंगे सारे के सारे फ़ोन। तो आप लोगों को ये फ़ोन की क्वालिटी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना यार, आपके कमेंट के बिना तो हमारा कोई भी वीडियो पूरा नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से और बड़े अच्छे से देखिए वीडियो को। चलिए आगे दूसरा फ़ोन लेके आते हैं, फिर ये वाला लास्ट फोन है आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, थोड़ा महंगा है भाई, 20,000 के अंदर पड़ेगा, 15,000 के अंदर जो दिखाना था दिखा दिया, 10,000 के अंदर दिखा दिया, अभी 20,000 के अंदर दिखा रहा हूँ। ठीक है, Vivo 23 भाई साहब, Vivo V23 बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी प्राइस देखा जाए तो 18,499 रुपये का पड़ रहा है भाई। ये फ़ोन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, Vivo T3 ने धमाल मचा रखा है। तो आप सभी लोग Vivo T3 यानी Vivo का फ़ोन लेना चाहते हैं तो 18,499 रुपये में मिल रहा है। अभी OnePlus हो गया वो थोड़ा अलग क्वालिटी होता है, उस पर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन Vivo का जो फ़ोन आता है ना, इस कैमरे की खासियत की बात की जाए तो कैमरा जो है एक नंबर का पड़ता है, सेम OnePlus के जैसे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। और आपको लोगों को 60 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल ऐसा भी देखने को मिल जाता है इसमें। बैटरी बैकअप की बात करें तो 5,500 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है, बहुत ही अच्छा सुपर बूक का चार्जर मिल जाता है आप लोगों को। कैमरे की क्वालिटी देखी जाए तो बहुत ही अच्छा मिल जाता है, कैमरा क्वालिटी भाई स्क्रीन की तरह एकदम ज़बरदस्त साफ दिखता है। और आप वीडियो बनाना चाहते हैं, गाना साफ नहीं होता, हैंग नहीं होगा,
क्योंकि 8128 का है भाई ये फोन, 8128 का है, गेमिंग के लिए भी माना जाना जाता है। वीवो के मामले में सारे फोन फेल होते हैं, वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, ये फोन जो है बहुत ही जबरदस्त होते हैं। और आप लोग जो है ये फोन वीवो T3 खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। सारे के सारे मैंने 5G फोन दिखाए हैं, यदि आपको पसंद आते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, ठीक है, इसमें पीछे मत रहिए। अभी जो है मौका है और बहुत ही ज्यादा छूट मिल रही है, तो मैं यही सजेशन करूंगा, तो आप लोग जो है इसे परचेज करें, खरीदिए, ठीक है। और आप लोगों को इस समय पे जो छूट मिल रही है और नहीं मिलने वाली, यही दिवाली तक मैं आपको छूट मिल जाएगा, उसके बाद सारे के सारे रेट चढ़ जाएंगे। दिवाली में लोग जो है खरीदते हैं और सेल भी अच्छा होता है, तो उन्होंने जो है प्राइस बढ़ा जो था वो कम कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, कोई फोन पसंद नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं इसके लिए नई वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। यदि आपको पसंद है ये फोन तो आप बिल्कुल भी कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो रही है, यदि आपके पास पहले से ही फोन है ये सारे फोन, तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। कहीं दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम सोल्यूशन निकालेंगे, एक अलग से नया सा वीडियो बना के लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कौन सी लेके आऊँगा वो भी कमेंट कर देना, अगर आपको जो पसंद है, ठीक है। चलिए यहीं क्लोज करते हैं।